महाभारत का स्त्री पर्व अत्यधिक मोह के कारण विनाश तथा संयम ज्ञान पूर्वक कार्य करने से व्यक्ति के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की शिक्षा देता है। महाभारत के स्त्री पर्व में कुल 27 अध्याय तथा 829 श्लोक हैं। स्त्री पर्व में अपने सगे संबंधियों के विनाश से शोकाकुल राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी शरीर की अनित्यता की सत्यता बताते हैं और शोक का त्याग करने के लिए कहते हैं। महात्मा विदुर संसार के दुखमय स्वरूप का वर्णन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को उससे छूटने का उपाय बताते हैं। संसार चक्र का वर्णन करते हुए विदुर जी कहते हैं, इस संसार में संयम और ज्ञान के द्वारा ही दुख से मुक्ति मिल सकती है। विदुर जी द्वारा बताया गया दुख से मुक्ति का यह उपाय वर्तमान समय में भी अत्यधिक अनुकरणीय है। शारीरा मानसाश्चैव मर्त्यानाम ये तु व्याधयः प्रत्यक्षाश्च परोक्षाश्च ते व्यालाः कथिताः बुधैः। मनुष्यों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शारीरिक और मानसिक व्याधियां ही सर्प एवं हिंसक जीव के समान बताई गई हैं। विदुर जी कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, क्रोध और लोभ से शून्य है, संतोषी तथा सत्यवादी होता है, उसी व्यक्ति का मन शांत रहता है। इसके विपरीत जिसमें लालसा बहुत अधिक होती है, उसको राज्य, मित्र और पुत्र आदि के नष्ट होने का महान दुख प्राप्त होता है। मन को संयमित रखने के महत्व को बताते हुए महात्मा विदुर कहते हैं, न विक्रमो न चाप्यर्थो न मित्रम न सुहृद जनः तथोन्मोचयते दुःखात् यथात्मा स्थिर संयमः। पराक्रम, धन, मित्र और सगे संबंधी भी उस तरह दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते जिस प्रकार दृढ़ता पूर्वक संयम में रहने वाला व्यक्ति का अपना मन दिला सकता है। अतः मन को संयमित रखना अत्यंत आवश्यक है। नाना मोह समायुक्ता बुद्धिजालेन संवृताः असूक्ष्म दृष्टयो मंदा भ्राम्यन्ते तत्र तत्रः। जो व्यक्ति मोह में लिप्त रहते हैं, जिनकी सोच स्थूल है, वे अलग अलग अनेक योनियों में भटकते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु के बाद सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यहाँ मृत्यु की सत्यता का ज्ञान की उत्कृष्टता के साथ वर्णन किया गया है तथा संसार में संहार को नित्य बताते हुए शोक से मुक्ति का उपाय बताया गया है। स्त्री पर्व में स्त्रियों और प्रजा के साथ राजा धृतराष्ट्र का रणभूमि में जाना, पांडवों का धृतराष्ट्र से मिलना, धृतराष्ट्र द्वारा भीम की लौहमय प्रतिमा का भंग करना तथा धृतराष्ट्र के शोक करने पर श्री कृष्ण का उन्हें समझाना इत्यादि जीवन की सत्यता से संबंधित अनेक बातें बताई गई हैं। स्त्री विलाप उपपर्व भी महाभारत के स्त्री पर्व में ही वर्णित है। स्त्री पर्व के अंतर्गत श्राद्ध उपपर्व में अपने मृतक संबंधियों को जलांजलि देने, कुंती द्वारा कर्ण के जन्म होने का रहस्य प्रकट करना आदि अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान की बातों का संकलन है, जिसको अपने जीवन में अपनाकर व्यक्ति मोह, दुख तथा इनसे प्राप्त होने वाली समस्याओं का बहुत ही आसानी से समाधान निकाल सकता है और दुख से मुक्त हो सकता है। लता वशिष्ठ, DD News।